सिंगर सोना महापात्रा के गाने तोरी सूरत को लेकर काफ़ी विवाद हो गया है। इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनकी वकील हेनल वखारिया। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहेंगी, ये जो नोटिस आया है मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से और बताया गया है कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं इस गाने से। सोना महापात्रा जिन्होंने ये गाना गाया है उन्होंने ठीक कपड़े नहीं पहने हैं जो इस्लाम के खिलाफ है वगैरह वगैरह, तो आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो अप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है उसके बारे में, या तो वो गाना बराबर से फिल्माया नहीं गया है जो इस्लाम के खिलाफ है उसके बारे में और तो कुछ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उनके पास अप्रोप्रिएट सेंसर सर्टिफिकेट है। सेंसर ने ये क्लियर किया है, उसके बाद गाना रिलीज़ हुआ है। सेंसर जो अपना गवर्नमेंट बॉडी ही है, तो कुछ गलत करने का तो सवाल ही नहीं होता है, वरना सेंसर बोर्ड क्यों इसको पास करेगी। तो एक आपत्ति और भी उठाई गई है कि आमिर खुसरो की जो पोइट्री है उसे इस्तेमाल किया गया है, वो गाना है, लेकिन उन्हें अप्रोप्रिएट क्रेडिट नहीं दिया गया, पूरा श्रेय नहीं दिया गया है, तो ये भी एक आपत्ति है। नहीं, गाना को बराबर से क्रेडिट दिया गया हुआ है। आमिर खुसरो का नाम जैसे उसकी पोएम की कलेक्शन की बुक है उसमें जैसे अपीयर हो रहा है वैसे ही उनका नाम क्रेडिट में भी लिया हुआ है। इनफैक्ट गाने के बोल में भी उनका नाम जैसे आता है, जैसे कबीर वो सब थे जो अपने शायरी में अपने गाने में उनका नाम आता था, वो नाम भी बाकायदा लिया गया हुआ है वही गाने में लिरिक्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको क्रेडिट नहीं दिया गया हुआ है, उसको अप्रोप्रिएटली क्रेडिट दिया गया हुआ है। जैसे ही उनका एज अ पोएट नाम अपीयर होता है, उसकी वे बैक 600 ईयर्स पहले की ये कलेक्शन है जो पब्लिक डोमेन में है, तो जो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये जो ट्रस्ट है वो खाली कस्टोडियन है, केयर टेकर है वो उसके गाने के कलेक्शन के। सोना महापात्रा ने जो फेसबुक पोस्ट किया है उसमें विस्तार से उन्होंने लिखा ही है कि क्या क्या नोटिस आया है मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे कि और नोटिस में क्या लिखा और ये नोटिस कब आया था, क्या इसका जवाब आप लोग ने दिया? ये नोटिस करीबन एक हफ्ते पहले आया था और नोटिस का जवाब हमने जो आपको मैंने बताया सब लीगल जो ग्राउंड है उसी के ऊपर दिया हुआ है। और एज फार एज बाकी चीज़ें जो कंसर्न है नोटिस में वो वही है कि इस्लाम के खिलाफ है, प्रॉपरली ड्रेस नहीं किया हुआ है, उसके लिए कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये भी बात है तो सेंसर अप्रूव नहीं करती थी, सेंसर ने अप्रूव किया है। ऐसा कुछ रिलीजन को हर्ट करने वाली बात नहीं है कि जैसे आम सूफ़ी खाने हैं वैसे ही गाना सूफ़ी गाया गया है। तो क्या मदारिया सूफ़ी फाउंडेशन में से किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था, किसी से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे सीधे फ़ोन पे बात की या सोना महापात्रा से सीधे बात की, कुछ बात हुई है, कुछ बता पाएंगे? जी नहीं, हमसे तो कांटेक्ट कुछ नहीं हुआ है। अगर सोना से कांटेक्ट किया हुआ है तो हमारी जान की बाहर है, लेकिन मेरे हिसाब से सोना से भी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ है। ईमेल आते रहते हैं और प्रेशराइज करते रहते हैं कि आप रिप्लाई दो, आप रिप्लाई दो जल्दी से करके, जो हमने कल रिप्लाई भी उनको दे दिया है। खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, मुंबई का जो खार पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी अपना जो खत लिखा है, शिकायत लिखी है, उन्हें भी संबोधित किया है और सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वो इस मसले पर ध्यान दें, क्योंकि आए दर ऐसे कंप्लेन आते रहते हैं और धमकी भरे ईमेल्स, धमकी भरे फ़ोन बहुत आते रहते हैं। तो वही कारण है कि पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। और जबकि उन्होंने जो नोटिस दी थी सोना को, ईमेल दिया था सोना को, वो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी सीसी किया हुआ है, खार पुलिस स्टेशन को भी सीसी किया हुआ है, तो पुलिस को बताने के लिए कि यह हमारा स्टैंड है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई चल रही, कुछ बताया उन्होंने, अपडेट दिया? पुलिस ने पूरे सपोर्ट करने की हमें बताया है कि जो भी है, और पुलिस भी तो लीगली वर्क करने वाली है, जो लीगल कॉन्टैक्ट है उसके पेरिफेरी में ही वर्क करेगी। तो वो तो फाइनली कोर्ट को डिसाइड करना है, कम्युनल ये रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट हुए नहीं हुए वो तो पुलिस भी डिसाइड नहीं करेगी। पुलिस को अगर धमकी भरे चीज़ मिलते हैं सिटीजन से कि ये हो रहा है तो पुलिस हैज़ टू एक्ट इमीडिएटली, लेकिन यहाँ पे तो वो मामला नहीं है, तो वो तो कोर्ट ही है जो डिसाइड करेगी कहाँ पे किसकी क्या गलती है। हमने सुना है कि बार बार ये खत लिखे जा रहे थे मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से, बार बार उस नोटिस का जवाब मांगा जा रहा था, तो उस बारे में बताइए कितनी बार उन्होंने ये नोटिस आपको भेजा है, कितनी बार जवाब मांगा है आपसे जो आपने नहीं दिया? हाँ, उन्होंने नोटिस भेजा है सोना को, मेरे ख्याल से 2-3 बार वही की वही नोटिस भेज रही है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो हम लोग ये एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे करके। हमने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें लीगली अपना जवाब देना था और वो पुलिस को हमें जवाब देना था कि हमारा ये जवाब है जो हमने दे दिया है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो फाउंडेशन है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट भी होती हैं, फ्रिंज संस्थाएं भी होती हैं, क्या एक पब्लिसिटी पाने का एक जरिया है इस तरह की नोटिस भेजना, लाइमलाइट में आने की कोशिश है? आपको क्या लगता है, सोना को क्या लगता है? जी, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि किसी को, क्योंकि वो खुद का परसेप्शन रहता है, तो उसके ऊपर तो किसका क्या सोचना है मैं नहीं जवाब दे सकती। लेकिन मैं वही बोलूँगी कि एक सिटीज़न को उसके पूरे हक है जो किसी के ऊपर खिलाफ कंप्लेन करना है तो, और एक सिटीज़न को अपना राइट्स एनफोर्स करने का पूरा हक है। तो अगर सोना को लगता है कि उसका राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके पास भी कोर्ट में जाने के लिए रेमेडी है, ट्रस्ट के पास भी है। अगर ट्रस्ट को लगता है कि उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो डेफिनेटली दे ऑल्सो कैन गो। You and me cannot decide upon it, neither police can decide upon it. It is the court ultimately who have to decide. पुलिस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, पुलिस का सपोर्ट मिल जाता है एक लेवल तक, वो बहुत अच्छी बात है। 5 साल पहले भी उन्होंने कोक स्टूडियो में एक गाना गाया था, उस गाने को लेकर भी आपत्ति जताई है। जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त सोना महापात्रा की मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो डरी हुई हैं, क्या उनके कुछ मन में चल रहा है? हालांकि बहुत उन्होंने बहादुरी से फेसबुक पोस्ट किया है, तो आप बता सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है इस बार? मानसिक स्थिति की वो बात है, आपने सही बताया, वो बहादुरी है और बहादुरी से ही कर रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो डरी हुई या डरी हुई रहती तो वो फोरफ्रंट में आती भी नहीं, लेकिन जो गलत है उसको वो सही करना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, उसे लगता है कि ये सब गलत है तो डेफिनेटली वो जाके उसको सही करना है, क्योंकि उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रही, कहीं पे जाके उसके राइट्स वायलेट हो रहे। अगर कोई उसे बोल रहा है कि आप ये गाना नहीं गा सकते तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए उसको पूरा हक बनता है लड़ने के लिए। चलिए, हेनल, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।